That is really clever. जिस तरह हर साल आपको इमर्जिंग प्लेयर मिलते हैं पीएसएल के अंदर से, और क्योंकि आपको बस एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के अंदर, और मेरे ख्याल से ज़्यादा यंग प्लेयर ज़्यादा इमर्जिंग प्लेयर आपके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं कि आप यहाँ पर आते हैं और अपना टैलेंट शो करते हैं और उसको वो जिस तरह रिगार्ड करते हैं, उसके बाद जिस तरह उनकी मजीद क्रिकेट आपको मिलती है, आप कहीं डिफरेंट जाके लीग्स में खेलते हो, तो एक पीएसएल एक इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के अंदर। तरह हमारा स्क्वाड है जिसमें आप बैटिंग लाइनअप देखें, बॉलिंग लाइनअप देखें, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि आपके पास मैच विनर्स प्लेयर्स हैं, तो एज अ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये होती है कि आप अपनी टीम के साथ एज यूनिट की तरह खेल रहे होते हो, एक जेल हो की तरह खेल रहे हैं काफ़ी, और एक दूसरे को बैक करें, मेरे ख्याल से एज अ टीम यही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, लोगों के इंटरटेनमेंट है, छक्के चौके लग रहे हैं और लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे, और जिस तरह क्राउड आ रहा है दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा होता है, हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं खेलते हुए कि जिस तरह क्राउड आता है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, और काफ़ी इंटरटेनमेंट है ग्राउंड के अंदर। शाहीन अफरीदी के साथ जिस तरह मैं स्टार्ट से जब मेरे क्रिकेट का कैरियर स्टार्ट हुआ और उसके साथ ही खेल रहा हूँ, और जब से उसको देखता हूँ कि यार वो दिन ब दिन जिस तरह इम्प्रूव कर रहा है और ग्राउंड के अंदर जितना वो अपनी एफर्ट करता है या जितना वो एग्रेसिव होता है, और उसकी एक हंगर होती है कि मैंने कुछ करना है ग्राउंड के अंदर, वो फाइटर है बेसिकली, और चैलेंजेस लेता है अपने ऊपर और वो उनको कोशिश करता है कि उन चैलेंजेस पे पूरा उतरूँ। देखें सारी टीमें अपने अच्छे स्क्वाड के अंदर हैं और वो उन्होंने एक बैलेंस साइड बनाई हुई है, तो मेरे ख्याल से तमाम टीमें एक जैसी ही हैं, और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि कौन परफॉर्म अच्छा करता है ग्राउंड के अंदर।